जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कवर ऑयल प्रेस। सो आज से जो हमारे एक चैनल में एक हमने एक नया सीरीज चालू किया है, 9 टाइप्स ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थनाओं के 9 प्रकार। तो आज से अगले 9 दिन तक रोज एक एक वीडियो हमारे चैनल में आने वाला है, हर एक टाइप ऑफ प्रेयर के ऊपर। उसका जो इंट्रो वीडियो है मैंने पहले बना दिया है, वो जो वीडियो का लिंक है आई विल गिव इन द कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर देख सकते हो उसका इंट्रो वीडियो। सो या तो आज से अगले 9 दिन तक रोज एक एक वीडियो आने वाला है 9 टाइप्स ऑफ प्रेयर के बारे में। तो ये हमारा जो सीरीज है 9 टाइप्स ऑफ प्रेयर, उसका पार्ट 1, तो पार्ट 1 आज वीडियो है, ये जो वीडियो है। तो आज की वीडियो हम देखने वाले पहला प्रेयर। तो पहला टाइप ऑफ प्रेयर है विश्वास की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ फेथ। तो ये जो वीडियो में बात करने वाले, प्रेयर ऑफ फेथ क्या होता है, उससे हम उसमें कैसे लागू में डाल सकते, उसे कैसे हम रिजल्ट लेकर आ सकते, वो वीडियो में देखने वाले। देखो लाते दिख रहे, अगर आप नए तो टू सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले विश्वास की प्रार्थना के बारे में, ठीक है। अभी ये विश्वास क्या होता है, उसको कैसे यूज में डालना है, उसमें कैसे प्रोग्रेस करना है, उसमें क्या क्या बाधा है, उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बारे में पहले बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, आई विल गिव लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो के बाद में। लेकिन आज हम वीडियो में बस देखने वाले विश्वास की प्रार्थना के बारे में, वी विल स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। सो हमारा जो विश्वास की प्रार्थना है उसके लिए एक सिंपल मॉड्यूल है, बहुत ज्यादा सिंपल लॉ है। वो लॉ हमें मिलता है बाइबल में मरकुस के 11:24 में, Mark 11:24 में दिखता है वो लॉ। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। या वो वचन बोलता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो या तो मैंने बोला था जो प्रेयर ऑफ फेथ, जो विशेष की प्रार्थना, उसका जो सिंपल लॉ है मार्क के 11:24 में मिलता है। वहाँ पे बोलता है कि जिस समय तुम प्रार्थना करो, तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। यही है हमारा जो प्रेयर ऑफ फेथ का सिंपल लॉ। आप जो चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको प्रतीति करना का आपको मिल गया तो आपको मिल जाएगा। ये हमारा सिंपल लॉ, ठीक है। अब इस प्रार्थना के अंदर बहुत सारे कुछ पॉइंट है, जब इस प्रार्थना को करते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये प्रार्थना काम नहीं करेगा। वो जो पॉइंट है क्या क्या है आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है यू मस्ट बी स्पेसिफिक इन आस्किंग। तो आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो, आप उसके बारे में आपको उतना एक स्पष्ट रखना चाहिए, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर मेरे को पता नहीं क्या चाहिए, आप देख लो, आप मुझे पता नहीं, आप भी जो करना आप कर लो, मेरे को पता नहीं क्या करना। हाँ, वो भी एक प्रार्थना है, उसको हम बोलते हैं कि प्रेयर ऑफ कॉन्सेंट, जहाँ पे हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा देते, वो अलग प्रार्थना है, उसके बारे में बात करेंगे आने वाले दिनों में, वो अलग प्रार्थना है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं विश्वास की प्रार्थना, ये जो प्रार्थना है, इसमें हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर समझो कि मुझे काम करें, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा मेरे को लैपटॉप में ये काम करना है, तो मेरे को ये वाला लैपटॉप मेरे को चाहिए। लेट मी टेक एग्जांपल, ठीक है। हाँ, लेनोवो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे लेनोवो का ये मॉडल लैपटॉप मेरे को चाहिए, क्योंकि मुझे ये काम करना है। तो जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे खुद को पता होता है कि मेरे को क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर मेरे को ना आप कुछ भी तो चलेगा, गिव मी वॉट एवर यू वॉन्ट, मतलब ऐसे नहीं कि बताना। जब प्रेयर ऑफ फेथ करते हैं ना, हमारे जो प्रेयर रिक्वेस्ट में वी डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन। हमें पता होता है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को क्या नीड है, मेरे को पता है कि मुझे ये काम करना है, तो ये काम करने के लिए मेरे को ये चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लैपटॉप, तो मेरे को लैपटॉप मेरे को, मैं बोलूँगा परमेश्वर मेरे को ये लैपटॉप मेरे को चाहिए, तो इसमें उससे प्रार्थना करूँगा। ऐसे नहीं कुछ भी जो चलेगा, नहीं। अब ये जो है बोला था इसी की प्रार्थना, इसमें हम परमेश्वर से कुछ मांगते, ठीक है। हम इस प्रार्थना में हमारे लोग कुछ नीड होता है, नीड के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता, मांगते। और जिन बोला था हमें पता होना चाहिए, ऐसे लैपटॉप होने दो, फाइनेंशियल नीड होने दो, अच्छा काम, अच्छा स्कूल, आपके बॉडी लिए, आपके शरीर के हीलिंग के लिए, या फिर आपके अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, अच्छे चर्च के लिए, या फिर आप कहीं पर जा रहे हो कुछ काम के लिए, वो काम ठीक से होने के लिए, या फिर कुछ भी, या फिर बिजनेस प्लान के लिए, अच्छा बिजनेस
पर्पस के एक आइडिया के लिए कुछ भी आपके लाइफ में आपको पता आपको जो पता है कि मेरे को ये जरूरत है तो आपको आप इसलिए पाते मतलब ये पहला पॉइंट है यू मस्ट बी स्पेसिफिक इन आस्किंग। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हो। मैं ऐसे कुछ भी बोल रहा नहीं, आपको पता होना चाहिए आपको क्या मांग रहे हो। यू मस्ट स्पेसिफिकली आस्किंग क्योंकि जो बेसिक फेथ क्या है, फेथ आप लगाते हो जिस पर आपको पता हो। मतलब मैंने वीडियो में सीमिंग के पहले बहुत वीडियो बना के बोला रखा है नॉलेज इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ फेथ। जब तक तो आपको पता नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको उस काम नहीं करेगा। तो आपको आपको ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। यू मस्ट बी स्पेसिफिक इन आस्किंग, यू शुड नो व्हाट यू वांट टू व्हाट यू वांट, तभी आप उसके ऊपर अपना फेथ को डाल सकते हो। इसके लिए ये जो हमारा पहला पॉइंट है, आपको खुद को पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, तभी आप उस पर विश्वास को अप्लाई कर सकते हो। ये होगा पहला पॉइंट। अभी आता है मेरा दूसरा पॉइंट में, ठीक है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ वो जो दूसरा पॉइंट है, इट इज़ डन ओनली वंस नॉट मल्टीपल टाइम्स। हाँ, तो ये जो प्रार्थना है एक चीज़ के लिए एक ही बार किया जाता है, उसके लिए बार 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 नहीं करते, ठीक है। मैं को बताता हूँ, इट इज़ फॉर इट दिस प्रेयर ऑफ फेथ इज डनली वंस फॉर वन थिंग नॉट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ये जो विशेष की प्रार्थना है एक चीज़ के लिए एक ही बार करते, इसके लिए बार बार नहीं करते, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा जो बेसिक लॉ क्या था, हमारे विशेष का लॉ क्या था, जब तुम प्रार्थना करते हो किसी चीज़ के लिए, पहला क्या था, आपको आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप प्रार्थना करते हो आपको प्रतीति कर लेना कि आपके लिए मिल गया, तो आपको सच्ची में आपके शारीरिक में मिल जाएगा। हमारा लॉ वही बोलता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो आपको प्रतीति करना कि मिल गया, ठीक है। तो अगर आप सच्ची में विश्वास करते हो कि मिल गया, तो आप उस चीज़ के लिए फिर से मांगने की प्रार्थना नहीं करोगे, राइट। समझ रहे हो, मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। तो हमारा प्रेयर ऑफ फेथ का लॉ क्या बोलता है, जिस समय आपने प्रार्थना किया आपको प्रतीति कर लेना है कि आपको मिल गया, तो उस लॉ के अनुसार आप अगर अपने अपने अप्लाई अपने उसको अप्लाई किया बरोबर, तो मैं तुम्हें प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे को लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो मैं लैपटॉप के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो अगर मैंने सच्ची में विश्वास कर लिया, हमारा लॉ क्या बोलता है, जिस समय आपने प्रार्थना किया आपको प्रतीति कर लेना कि आपको मिल गया, तो अगर मैंने प्रार्थना किया और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे को मिल गया, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं फिर से प्रार्थना नहीं करूँगा, राइट। क्योंकि ये जो प्रेयर ऑफ फेथ है, मैं एक चीज़ मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैंने पहली बार प्रार्थना किया, हमारा लॉ क्या बोलता है, जिस समय आपने प्रार्थना किया आपको प्रतीति कर लेगा मिल गया, तो मैंने प्रार्थना किया, जैसे मैं प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे को मिल गया, तो अगर वो चीज़ मेरे को मिल गया है, तो मैं उसके लिए फिर से प्रार्थना नहीं करूँ। क्योंकि वो तो मेरा मिल गया, राइट। मैं विश्वास करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैंने लैपटॉप के लिए प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया वो मेरे को मिल गया, तो जो चीज़ मेरे को मिल गया है उसके लिए मैं फिर से प्रार्थना नहीं करूँगा। अगर आप एक ही चीज़ के लिए फिर से प्रार्थना नहीं, आप फिर से प्रार्थना करते हो, तो उसको विश्वासी प्रार्थना नहीं बोलते और उसमें विश्वास ही नहीं। क्योंकि अगर आपने विश्वास किया होता, तो जिस समय आपने प्रार्थना की उसी से आपको मिला, आपको मिल विश्वास किया होता, आपने उसको उसके बारे में आप फिर से प्रार्थना नहीं करते। समझ रहे हो, क्योंकि फेथ इज वॉट लेको, जब आपने प्रार्थना किया आपको मिल गया, वही हमारा प्रेयर ऑफ फेथ का लॉ है। अगर आप एक चीज़ के लिए मल्टीपल टाइम्स फिर से प्रार्थना कर रहे हो, तो आपने अभी तक विश्वास नहीं किया है, वो विश्वास की प्रार्थना नहीं है। क्योंकि दूसरे पॉइंट और एक पॉइंट जो है थैंक्स गिविंग, ठीक है। तो आप बोल सकते, ठीक है भाई, तो अगर मैंने एक बार प्रार्थना की, वैसे मैं छोड़ दो क्या, सोचू नहीं। मैं बोलूँ, अब हम ह्यूमन है, हमारे माइंड में पक्का आएगा, स्पेशली जब हम प्रार्थना में विश्वास डालते हैं, तभी तो क्षेत्र में और भी आएगा, अरे ये तो ये बंदा तो प्रार्थना कर विश्वास में कि इसको तो नीचे डालना, तो हम नीचे उसको उतरना है, तो कुछ भी ट्राई करेगा, हमारे मन में कुछ डालने की कोशिश करेगा। प्रार्थना करते बोला तेरे को नहीं मिला, तेरे हाथ में किधर है, तेरे पास कुछ भी थॉट्स आएगा, तो अब आप क्या करना है, थैंक्स गिविंग इज ए एक्ट ऑफ फेथ। आपको जब भी आपके माइंड में आता है, नहीं अगर नहीं बोल रहे मेरे पास से मेरे को मिल गया, जिस समय मैंने वचन में बोलते हैं, जिस समय मैं प्रार्थना करता आपको मिल जाता है, उस वचन के अनुसार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया
जिसमें मैं प्रार्थना है मेरे को मिल गया, मेरे पास है, मेरे पास लैपटॉप है, मुझे अब जो भी हीलिंग, मेरे को हीलिंग मिल गया है, अच्छा काम मिल गया है, मेरे को अच्छा जॉब मिल गया है, मेरे को अच्छा कॉलेज मिल गया है, मैं अच्छा बिजनेस मिल गया है, मेरे को अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिल गया, अच्छा जो भी मुझे जिस चीज़ के लिए प्रार्थना है वो मेरे को मिल गया है, आपको थैंक्स भी, मेरे को मिल गया है इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, मेरे को मिल गया, आपको आपको कंटिन्यूसली परमेश्वर को धन्यवाद कहते कहते रहिए। मैं ऐसे नहीं बोल, सब कुछ मैंने अप्लाई किया है और बहुत सारे मैंने चीज़ों को मैं ऐसे मैंने पाया, इसके लिए मैं आई कैन एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ। अब जब आप एक चीज़ के लिए बार बार बाबा थैंक्स गिविंग करते रहते हो, उतने स्ट्रांग अपना फेथ को आप खड़ा कर रहे हो, जितना स्ट्रांग आप फेथ खड़ा कर रहे हो उतना ही आप भी फेथ में ग्रो होगे और वो जो चीज़ है आपके पास जल्दी पहुँचेगा। मैं इसलिए बोलते कि ये जो बोला मैंने सेकेंड क्वेश्चन 4:13 में बोलता है कि पॉल कोट्स समथिंग फ्रॉम सैम, तो बोलता है कि लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, तो आप भी विश्वास करते हो तो आप भी बोलो, मतलब विश्वास करते हैं तो उसका हमें बोलना ही है, क्योंकि जब हमने इसमें से जब हमने अपने जीवन में अपने हृदय में बोलाया, हमने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, विश्वास अपने हृदय में किया, फिर मुंह से हमने कबूल भी किया, क्योंकि उसको बोलते हैं फेथ, फेथ स्टार्ट फ्रॉम हार्ट एंड एंड्स इन माउथ, तो वही यही था, वैसे ही सब चीज़ में हमने विश्वास किया बस में, लेकिन उसको बात भी करना, हमें थैंक्स गिविंग करना है, मैंने प्रार्थना किया, जैसे मैंने प्रार्थना किया मेरे को मिल गया है, इस पर धन्यवाद, मेरे को मिल गया धन्यवाद, मैंने लैपटॉप के लिए प्रार्थना किया, मेरे को लैपटॉप मिल गया, मेरे को धन्यवाद, आपको धन्यवाद करते रहना है, जब धन्यवाद करते रहोगे आपको मिल जाएगा। अब नॉर्मली क्या बोलते कि जब आपको मिलेगा उसके बाद हम धन्यवाद बोलेंगे, वो भी करना है, लेकिन ये जो बोल रहा हूँ धन्यवाद, ये जो वो नहीं, ये एक्ट ऑफ फेथ, आपको मिलने के पहले आपको थैंक्स गिविंग करते रहना है, मैंने प्रार्थना किया, जिस समय मैंने प्रार्थना किया मेरे को मिल गया इसलिए धन्यवाद, आपको वो आपको धन्यवाद एक्ट ऑफ आपको करते रहना है, तो मोर यू डू द मोर यू शुल बी स्ट्रांग इन द फेथ। सो या सो अभी इस प्रेयर ऑफ फेथ में एक और एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो पॉइंट है यू कैन ओनली यूज योर फेथ फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ठीक है, आप अपने विश्वास को, आप प्रेयर ऑफ फेथ को जो आई जो विश्वास की प्रार्थना है, आप आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, मैं लेट मी गिव एग्जाम्पल। ठीक है, आपका दोस्त है कोई भी है और उसके लिए एक जॉब चाहिए, तो वो बोल रहे कि अरे भाई मेरे लिए तो अच्छा प्रार्थना कर। ठीक है, तो आपने प्रार्थना किया, आपके लिए आप अच्छा पूरा आप लॉ अप्लाई कर रहे, मैंने प्रार्थना किया, फिर उसमें मैंने धन्यवाद किया, मैंने डाउट नहीं किया, पूरा स्ट्रांग फेथ कर, लेकिन वो बंदा खुद के लिए प्रार्थना कर नहीं कर रहा है, वो बंदा खुद के लिए नहीं कर रहा है, तो आप जितना भी उसके लिए प्रार्थना करोगे वो कुछ नहीं है, क्योंकि बोलते ना बाइबल भी बोलते हैं, पॉल बोलते हैं बाइबल में, वी आर कंपेनियंस ऑफ अवर फेथ नॉट मास्टर ओवर फेथ। वैसे हमारा जो विश्वास है हमारे लिए, हम किसी और के लाइफ में हमारा फेथ को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त के लिए मैंने यीशु मसीह कबूल कर लिया, मेरे इस तरह के मैंने कबूल कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना राइट। वो हमारा जो विश्वास है हमारे लिए यूज करेगा, हमारे फेथ को लेकर हम किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, हम किसी और के लाइफ के ऊपर अर्पित मिरेकल वी कैंट एक्सेप्ट अंटिल देन, वो बंदा खुद के लिए प्रार्थना नहीं करे, उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे कि दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करो, नहीं प्रार्थना वो भी एक टाइप ऑफ प्रेयर, इसके बारे में बात करें आने वाले दिनों में, लेकिन ये जो बोला प्रेयर ऑफ फेथ, ये पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि हम ये जो विश्वास है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए काम होता है, हम किसी और के लाइफ में जाके, हम किसी और के किसी स्ट्रेंजर या फिर दोस्त को खुद के लिए पता नहीं, उसके ऊपर हमारा फेथ को अप्लाई नहीं कर सकता, अंटिल वो खुद के लिए पता नहीं करेगा हमारा पता है, आप कितना भी आप कितना ही प्रार्थना करो उसके लिए, कितना भी कुछ कर लो, अंटिल वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता, खुद से कुछ नहीं करता उसको नहीं, क्योंकि योर फेथ कैन हील यू, योर फेथ कैन ब्लेस यू, बट योर फेथ कैन डू समथिंग फॉर समवन एल्स, राइट। यही जो लास्ट लॉ था, सो आई बिलीव आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पूरा समझा रहेगा ये प्रेयर ऑफ फेथ क्या होता है। तो या अंटिल ऐसे अगले कल ऐसे और एक प्रेयर के साथ मिल तक जुड़े रहिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।